पूछा था रूम साफ करा दिया कि नहीं करा दिया। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. आज सुबह में जो पाकिस्तान से जारीन आए हुए हैं उनके साथ आज मीटिंग की गई है और उनको ये बता दिया गया है कि उनके क्या डूज एंड डोंट्स हैं और उनके टाइमिंग्स भी फिक्स कर दिए गए हैं दरगाह आने जाने के लिए और सुरक्षा के जो नियम फॉलो किए जाने हैं और जो दरगाह में जो प्रोटोकॉल है वो सारी चीज़ें से उनको अवगत करा दिया गया है और उम्मीद करता हूँ कि इनका जो स्टे है और जो जियारत इनका है वो बहुत अच्छे से होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। किस तरह चादर कब पेश करेंगे? नहीं, ये टाइमिंग्स मैं नहीं बता सकता, वो उनके ऊपर छोड़ा हुआ है, वो जिस समय भी चाहें वो दे सकते हैं। दोपहर का समय है? नहीं, वो टाइमिंग्स उनको हमने बता दिया है, जो भी अलग अलग दिन अलग अलग टाइमिंग्स फिक्स किए वो उनके ऊपर है, वो जिस समय देना चाहें वो दे सकते हैं। देखिए, बहुत डिटेल में सिक्योरिटी अरेंजमेंट लगाए गए हैं, इनके मूवमेंट के समय और किस तरह समय इन्हें वापस आना है वो सब हमने डे वाइज डिसाइड किया है। हर दिन निर्धारित समय पर इनको यहाँ से ले जाया जाएगा, पुलिस जाब्ते की सिक्योरिटी में ये वहाँ पर जाएंगे और ज्यारत करके वापस यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। इन्हें बता दिया गया है कि आपके वीज़ा नियमों में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आप इंडिविजुअल्स यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, आप ग्रुप में ही मूव करेंगे और आप जो आपके वीज़ा का जगह निर्धारित है उससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। तो वो सभी चीज़ें इनसे यहाँ पर डिस्कस हो गई हैं, उन्हें पाबंद कर दिया गया है किस प्रकार से आपको किन किन नियमों का ध्यान रखना है और जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनसे उनको उनका इंटरेक्शन करा दिया गया है ताकि वो समझ सके कि वो किस पुलिस जाब्ते के साथ में मूव करेंगे। दरगाह परिसर में है या बाजार में? हाँ, दरगाह परिसर और बाज़ार में, क्योंकि वो एक ही रूट है, यहाँ से दरगाह तक जाना है उनको, दरगाह से वापस आना है। इनफैक्ट उनके वीज़ा में अजमेर सिटी पूरा है मेंशन, तो अजमेर सिटी में वो कहीं पर भी जा सकते हैं, पर वो जाएंगे ग्रुप में ही। तो उनके लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी? नहीं, वाहन की अगर आवश्यकता होगी तो वो हम अरेंज कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारा जियारत का पूरा प्रोग्राम है वो यहाँ से, क्योंकि 800 मीटर पर ही दरगाह है तो पैदल जाने का ही प्लान किया गया। चादर कैसे पेश करेंगे सारे एक साथ? चादरों में, क्योंकि हर रोज़ ये जियारत के लिए वहाँ जाएंगे तो ये इंडिविजुअली अपनी चादरें पेश करते रहेंगे और कभी ग्रुप चादर पेश करना चाहेंगे तो हमें बताएंगे, उसके हिसाब से प्लान करेंगे।